तो ये सामा के चावल की पूड़ी बनाई हूँ। तो आइए मैं बताती हूँ कि सामा की चावल की पूड़ी मैं इतनी सॉफ्ट और टेस्टी कैसे बनाई हूँ। तो आइए एक बार वीडियो आप जरूर देखें। व्रत का आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे की पूड़ी। तो उसके लिए मैं मूली को पहले छील लेती हूँ। तो ये सभी को छील दिए, तो इसे काट लेते हैं। तो ये कट चुका है, तो इसे कुकर में डाल के इसको एक सीटी लगा देंगे। बंद कर देते हैं कुकर को। एक सीटी लगा रहे हैं, एक सीटी लग चुके हैं, गैस निकल गई। तो इसे इस तरह से सभी को मिक्स कर दें। अब ये तो अभी गर्म है, तो इसी में मैं चावल की आटा को डालेंगे। व्रत में खा रहे हैं तो आप सामा के चावल के आटा भी डाल के बना सकते हैं, और नॉर्मल दिन खा रहे हैं तो आप वैसे चावल के आटा डाल के इस तरह से बना सकते हैं। मैं आटा को इस तरह से चावल के आटे को मिक्स कर लें अच्छी तरह से, आगे से निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ी सी जीरा डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च कूट लें और इसमें मिक्स कर दें, और थोड़ी सी आमचूर, क्योंकि इस सीजन में मूली थोड़ी सी तीखी मिलती है तो इसलिए इसमें डालें, और थोड़ी सी हरा धनिया और नमक डालें वर्थ वाली स्वाद अनुसार। नमक सिंधा नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये चावल के आटा है, इसको अगर छोड़ देते हैं तो ठंडा होने के बाद ये करे हो जाएंगे, तो इसे गर्म गर्म ही बनाने हैं, मैंने गर्म गर्म आटा को ही बनाना है। तो इस तरह से आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा पेड़ा बना लें। तो चलिए इसको हाथ से ही बेल लेते हैं, चकले पे भी रख के इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाती हूँ। सभी को मैंने पेड़े बना ली हूँ, तो इसे एक पन्नी रखें, पन्नी के ऊपर ये देखिए मैंने ऐसे रखे, फिर पन्नी को ऊपर से ढक दें और फिर इसे बेलें। बेल दिए हैं, बेलने के बाद इसे कट कर देते हैं। जिस साइज का बनाना है उस तरह से कट कर ले, और वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हटा दिए हैं जितने एक्स्ट्रा थे, और इसे हम बना चुके हैं काफ़ी सारे। तो चलिए सभी को मैं तल लेती हूँ। घी गर्म हो चुका है, ये बन चुका है पूड़ी। ऐसे सब्जी के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो औरों को भी बना लेते हैं। मगर हाँ एक बात है कि आप बना के एक साथ काफ़ी सारे पूड़ियों को बेल के नहीं रखिए, नहीं तो वो टूट जाएंगे और फिर दोबारा आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे आटे की या मैदे की पूड़ियाँ काफ़ी सारे बेल लेते हैं, एक बार तल लेते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। ये चावल की आटे की ये पूड़ियाँ बनाने के लिए इसको आप एक एक को बनाएं और एक एक को तल लें। तो सभी को तल लिए हैं तो चलिए सर्व कर लेती हूँ। तो सर्व कर लिए हैं, आप चाहें तो आप चटनी के साथ या सब्जी के साथ खा सकते हैं व्रत में, और सॉफ्ट है ये, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो इस तरह से बनाएं समा के चावल की पूड़ी और खाएं नवरात्रों में या कोई भी फेस्टिवल में। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।